दिल्ली से हैं संतोष जी, स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार मैम। नमस्कार। जय हिंद, स्वागत संतोष जी आपका बहुत बहुत। मैं आपकी बहुत दवाई ले रही हूँ और जैतून का सिरका भी मंगवाया। वो खटाई से परवेज है, क्या हम उसको उसके साथ ले सकते हैं? अच्छा, आपकी तबीयत कैसी है? मेरे आराम है दिन, पेट में बिल्कुल आराम हो गया। इसको लेते हुए मुझे महीना होने को हो गया और गोल किया से भी मेरे को पैरों में आराम नहीं है। वैसे थोड़ा बहुत आराम मुझे लगता है, दर्द भी है पैरों में, तो अभी सुनपन भी उतना ही है। ठीक जी मेरे 3 सवाल हैं जी, वो जी जी भी सुन लो। पहले हम्म। एक पोता है 12 साल का, उसका कुछ कद कम बढ़ रहा है। कद कम बढ़ रहा दूसरा, है, हाँ, ठीक है। उसको एलर्जी रहती है धूल से, बार बार खांसी होती है, बार बार उसको छींकते, उसकी मदर को भी ऐसे ही है जी। बच्चे की माँ का एज है 35 साल, उसको भी धूल से एलर्जी है और उसको भी सांस का दमा सा, खांसी जुकाम सा ऐसे रहता है। और तीसरा सवाल है, मेरे बेटे के पेट में 40 साल का है, वो पथरी बनती है बार बार, अभी भी उसको छोटी मोटी पथरी है किडनी में, उसको दर्द रहता है ऐसे। अभी करवाया तो नहीं था तब, लेकिन 2 बार निकलवा ली ऑपरेशन से जी। अरे हाँ, देखिए, एक तो ये याद रखें कि जिसको भी पथरी बनती है किडनीज में, वो बार बार बनती है, तो कुछ ऐसा नुस्खा होना चाहिए कि ये बनने का मामला ही ख़त्म हो जाए और जो पथरी हो वो निकल जाए। और ऑपरेशन कितने कराएंगे? बहुत ख़तरनाक ऑपरेशन है, किडनी ख़राब होने का डर है। तो देखिए, एक पेड़ है जिसको हम कहते हैं गूलर का पेड़। गूलर मिल जाए या गूलर के पत्ते मिल जाए, अच्छा, ये पत्ते और ये पेड़ को बकरा बकरी बहुत शौक से खाते हैं। गूलर के पत्ते, गूलर के पत्ते हों तो 3-4 हों, और गूलर हों तो बस 2 काफ़ी हैं। इसका फल को गूलर कहते हैं, और पत्ते, हमेशा तो फल नहीं मिलेंगे इसलिए इसके पत्ते मिल सकते हैं। बहरहाल ये 3-4 पत्ते चबा के खा लें और या पीस के पी लें, किसी भी तरह रोज़ाना एक बार 3-4 पत्ते खाएं, और 2 गिलास पानी में लें, 2 गिलास पानी रखें, उसमें 2 नींबू निचोड़ लें और 2 चुटकी नमक जैतून, 2 चुटकी मिला लें और ये 2 गिलास पानी पी लें गूलर या गूलर के पत्ते खाने के बाद। तो ये नुस्खा है, बहुत अच्छा और तेज़ है, और किसी की 5 दिन में, किसी की 6 दिन में, किसी की 10 दिन में पथरी को निकाल देता है। पथरी निकल जाएगी, दर्द की दवा रखें, जिस दिन पथरी निकलती है उस दिन तकलीफ़ होती है काफ़ी, तो दर्द की दवा या इंजेक्शन लगवा लेना। अब पथरी तो दोबारा बन जाती है, क्या किया जाए ऐसा कि पथरी ना बने? तो ये नुस्खा हर महीने 3 बार पी लिया करें, रोज़ाना एक ही बार पीना है, हर महीने 3 दिन ये नुस्खा पी लिया करें, तो पथरी बनने का सिस्टम ही ख़त्म हो जाता है। ये तो उस बच्चे के लिए जिसके पथरी बनती है। और पोता और माँ जो है उनकी, माँ की उम्र है 33 साल, पोते की है 12। कद कम है पोते का एक तो, और एलर्जी है, धूल खांसी रहती है। देखिए, जिन लोगों में रोग प्रतिरोधक शक्ति कम होती है, उनको डस्ट एलर्जी या किसी भी चीज़ से एलर्जी होती है, मतलब ये है कि उन्हें छींकें, खांसी, बलगम, नज़ला, बुखार, ये सब होता ही रहता है। गर्मियों में भी होता है, सर्दी में भी होता है,
तो इन दोनों माँ बच्चों को या तो माजून आर केयर दें, बच्चे को आधा आधा चम्मच और माँ को एक एक चम्मच सुबह खाली पेट और रात को सोते वक्त। वो घरेलू नुस्खा ये है कि सपिस्तान एक दवा का नाम है जिसे गांव की जबान में लिसोड़ा कहा जाता है, हम लोग सपिस्तान कहते हैं। सपिस्तान 100 ग्राम लें, उन्नाब ये भी एक दवा का नाम है, ये भी 100 ग्राम लें, और अलसी 100 ग्राम, और 30 ग्राम पीपलें जिसे हम हिंदी में पीपला मूल भी कहते हैं। ये किचन के गरम मसालों में शहतूत जैसी सूखी हुई एक चीज़ पाई जाती है जिसे पीपलें कहते हैं। पीपलें 30 ग्राम, सपिस्तान 100 ग्राम, उन्नाब 100 ग्राम, अलसी 100 ग्राम। उन्नाब की गुठली निकाल कर फेंक दें और इन सबको पाउडर बना लें। एक चम्मच सुबह माँ खाएं और गर्म पानी पी लें या चाय पी लें, और रात को भी एक चम्मच खाएं। बच्चे के लिए आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम, और आगे जाके फिर एक चम्मच भी कर सकते हैं। अगर 6-7 महीने लगातार खाए जाए तो इस रोग से मुक्ति मुमकिन है।